जब हम मैजिक मॉप मार्केट से खरीदते हैं तो माइक्रोफाइबर मॉप हेड पहले से ही रॉड के साथ लगा होता है और ये काफ़ी देर चलता है, लेकिन जब ये ख़राब हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि इसे कैसे चेंज करें। लगातार यूज़ करने से ये कुछ इस तरह से घिस जाता है और फिर अपना प्रॉपर काम नहीं करता, अच्छे से सफाई नहीं करता, और जहाँ कभी हमें इसको वॉश करना होता है तब भी हमें इसे उतारने की ज़रूरत पड़ती है। और इसे किस तरह से चेंज करना है यही हमें समझ में नहीं आता और थोड़ा सा हम डर भी जाते हैं कि ही ऐसा ना हो कि मॉप चेंज करने के चक्कर में मॉप ही टूट जाए। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका जिससे हम घर पर ही मॉप के हेड को चेंज कर सकते हैं। जब हम मार्केट से मैजिक मॉप खरीदते हैं तो साथ में हमें माइक्रोफाइबर मॉप हेड साथ में एक्स्ट्रा मिलते हैं, या फिर आप इसे मार्केट से खरीद भी सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है, इसकी दोनों साइड आप देख सकते हैं। पुराने वाला भी आपने देखा है कि कितना घिस चुका है और ये नया कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा है, और इसे चेंज करना बहुत ही आसान है। कुछ सेकंड में ही हम इसे खुद ही चेंज कर सकते हैं। देखने में ये जितना मुश्किल काम लगता है उतना ही ज़्यादा ये आसान है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे चेंज करना कितना आसान है। तो सबसे पहले आप माइक्रोफाइबर मॉप हेड को देख लीजिए, इसकी दोनों साइड देख लीजिए। तो ये पिछली साइड है और ये आगे की साइड है जिससे हम पोचा लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पुराने वाले मैजिक मॉप के मॉप हेड को, जो कि बहुत ही घिस चुका है, बहुत ही ज़्यादा गंदा भी हो चुका है, तो इसको सबसे पहले इसको ही निकाल लेंगे। तो भी एक नाइफ या फिर एक पेचकस की मदद से हम इसको ज़रा सा बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। तो आप कोई और तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये प्लास्टिक होता है और मोस्टली प्लास्टिक क्रैक हो सकता है क्योंकि हम कई बार मॉप को धूप में भी पड़ा रहने देते हैं। तो इस तरह से आसानी से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। और अब नए वाले को हम इस तरह से रखेंगे, जो उसकी पिछली साइड है उसको हम ऊपर की ओर रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम ये रोड खड़ी करेंगे। तो ये वाला पार्ट हम बिल्कुल इसके सेंटर में रखकर लगा देंगे और फिर दोनों पैरों से हम इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देंगे तो ये अच्छे से फिट हो जाएगा। लीजिए मॉप बनकर तैयार है। तो देखा आपने मैजिक मॉप के मॉप हेड को चेंज करना कितना ज़्यादा आसान है और कुछ सेकंड में ही हम इसे अपने आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब इससे पोचा लगाकर भी देखते हैं। तो मेरे पास 360 डिग्री मैजिक मॉप है, तो इस तरह की बकेट साथ में मिलती है, इससे स्पिन हो जाएगा। बकेट को साइड में रखते हैं और पोचा लगाकर देखते हैं। अगली बार जब भी आपको मॉप हेड चेंज करना हो, इसे वॉश करना हो या फिर पुराना हो चुका घिस चुका है तो चेंज करना हो, तो आप इसे खुद ही चेंज कर लें, बहुत ही आसान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नए यूजफुल वीडियो के साथ। मॉप हेड को चेंज करने का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।